मैं आपका पत्रकार साथी रण सिंह पवार पीएमएफओ न्यूज़ से। आज जो है देश के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है और पूरे देश का ध्यान इस किसान आंदोलन पे है और हर कोई, चाहे वह सोशल मीडिया है चाहे मीडिया है, सभी का ध्यान और ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टियों का ध्यान भी इस महा आंदोलन पे है। तो हम जैसे आपको पहले भी दिखाते रहे हैं, हर पार्टी के अपने अपने व्यूज़ हैं किसान आंदोलन को लेकर के, और हम आपसे चर्चा भी करते रहे हैं बहुत सारे पॉलिटिकल पार्टियों के नेताओं से, और उनकी राय भी जानते रहे हैं किसान आंदोलन पे, और उनका जो समर्थन है वो अलग अलग तरह से कैसे है आज हम जानेंगे। हमारे बीच में है इंडियन नेशनल लोकदल से राजेश भाकर जी, यूथ हैं, इनसे हम जानेंगे कि नमस्कार। नमस्कार जी, पीएमएफओ न्यूज़ के माध्यम से आप जो है किसान आंदोलन पे और किसानों के बारे में क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं आपके चैनल पीएमएफओ न्यूज़ को धन्यवाद करता हूँ जो आपने किसानों के मुद्दा उठाया। जो ये तीन काले कानून जो ये भाजपा सरकार लेके आई है, इसकी सबसे पहले आवाज़ हमारी पार्टी के प्रधान महासचिव चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने उठाया था। ये आंदोलन किसानों के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक है। जो आड़ती हैं किसानों का हमेशा ही बैंक रहा है आड़ती है। आधी रात को किसान जाके आड़तियों से कोई पैसा लेना हो, शादी हो, सामान लेना हो, सभी आड़तियों के पास जाते थे। किसान का शुरू से ही ये नेचर रहा है। आधी रात का ATM, आधी रात का बैंक है वो, जो ये भाजपा सरकार बंद करना चाह रही है। किसानों को बिल्कुल गरीब करना चाह रही है, मजदूर बनाना चाह रही है। जैसे हमने ये देखा था, यही चीज़ बिहार में सेटअप है। जो बिहारी आज हमारे यहाँ आके काम कर रहे हैं, बिहारियों के हर किसी जो बिहारी है उनके यहाँ उनकी ज़मीन है, पर उनको वो MSP मिल ही नहीं पा रही। गेहूँ का खर्चा 1000-1500 रुपये क्विंटल का लगा लो, उनको रेट देती है सरकारी कंपनियाँ, नहीं अब ये जो प्राइवेट कंपनियाँ अपने अकॉर्डिंग देती है, उसकी वजह से किसान नुकसान में है। जब भी वो बिहारी हमारे यहाँ आके काम करते हैं। एक और क्वेश्चन मैं करना चाहूँगा कि जैसे विपक्ष सरकार बोलती है कि ये जो कार्यक्रम है किसान आंदोलन है ये विपक्ष का प्रायोजित है, तो इस पे जैसे आपकी पार्टी जो है वो खुल के बैनर के नीचे, अपनी पार्टी के बैनर के नीचे कितना का सहयोग इस आंदोलन में कर रही है? हमारी पार्टी किसान आंदोलन को एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं बना रही है, किसानों का ही एजेंडा है। सारे किसान साथी जो हमारी पार्टी है इंडियन नेशनल लोकदल, हमेशा से ही किसान मजदूर की पार्टी है, तो पार्टी इसको कोई एजेंडा नहीं बना रही किसानों का, हम बना रहे हैं इसको पॉलिटिकल कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हम एज अ किसान, मैं किसान भी फैमिली से हूँ, जितने भी किसान साथी हैं सभी इकट्ठे होके इस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। आप घर घर गांव गांव जाके देखो, कोई भी आप वहाँ जाके टीकरी बॉर्डर देखोगे, दिल्ली के हर तरफ देखोगे, किसी भी धरने पे है वहाँ इंडियन नेशनल लोकदल का कार्यकर्ता जा रहा है, पर वो किसान के बैनर हिसाब से जा रहा है, हाँ किसान के बैनर के अंडर जा रहे हैं। यही हालात देश में बने हुए हैं, किसान का एक अपना बैनर है, अपना मंच है जिसके माध्यम से सरकार से वो लड़ाई लड़ रहा है, और जितनी भी पॉलिटिकल पार्टी है चाहे वो कांग्रेस है चाहे इंडियन नेशनल लोकदल है, वो उसी के मंच से जो है किसान के, सरकार के तीनों बिलों का जो है काले बिल जिसको बोल के विरोध कर रही है। तो मैं एक बात और जानना चाहूँगा राजेश भाकर जी से कि SYL का मुद्दा जो है, SYL का मुद्दा मैंने देखा है पार्टी ने आपकी ने बहुत सारे जो है कारनामे किए, कसी फावड़ा लेकर के वहाँ SYL खोदने के लिए भी गए थे आपके पार्टी के नेता, तो अब सरकार जो है SYL के मुद्दे को लेकर के आ रही है पार्टी, बीजेपी सरकार लेकर के आ रही है, बीजेपी पार्टी लेके आ रही है, उसमें क्या मंशा लगती है? जो भारतीय जनता पार्टी है वो किसानों को गुमराह करने की कोशिश कर रही है। SYL का मुद्दा है सारा, भाजपा के ऊपर सरकार है, भाजपा करना चाहे तो आज गर्दे कर क्यों नहीं रही, खाली है कि ये बवंडर बना रही है कि किसान उस मुद्दे से उठ के जो भी ये जो तीन काले कानून है इनको भूल कर SYL पे जाए, पर किसान इतना मूर्ख नहीं है जो ये तीन काले कानूनों को भूल जाए और SYL पे जाएंगे। देखिए अभी हम बात कर रहे थे राजेश भाकर जी से और इन्होंने जो है तमाम बातों पे हमने चर्चा की और इनके व्यूज़ हमने किसान आंदोलन में जाने और किसान की जो लड़ाई है उसके बारे में जानकारी ली। तो मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा
बाकर जी का बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं सभी मेरे साथियों से चाहूँगा PMFO न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, लाइव जो इनका फेसबुक पेज है वो भी लाइक करो और आगे बढ़ाओ। और बहुत अच्छा काम कर रहे हो आप इस किसान आंदोलन को लेकर, हर किसान आपके साथ है। आशा करते हैं आपका चैनल बहुत आगे बढ़े। धन्यवाद। नई नई जानकारी लेते रहिएगा PMFO न्यूज़ से। मैं रण सिंह।